ये है यहाँ पे दिवाली का सेलिब्रेशन जो हो रहा है अपने सीपीओ में। Hey, what is up guys? My name is Uttek and welcome back to another video. तो आज मैं फ्री था तो मैंने सोचा आज मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ। आज मेरी शिफ्ट भी नहीं थी ना मेरी कोई क्लास है तो मैंने सोचा यूनिवर्सिटी चलते हैं। और यूनिवर्सिटी में एक्चुअली दिवाली भी चल रहा है और दिवाली की प्रिपरेशन हो रही हैं, तो आज इस वीडियो में आपको दिवाली की प्रिपरेशन दिखाऊंगा जो हमारी यूनिवर्सिटी में हो रही हैं। और मौसम भी काफ़ी सिक्सी हो रहा है, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा और मेरे हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि कल मेरी क्लास थी शिविर में और उसके बाद हमने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया। थोड़ा हमने बैडमिंटन खेला, बास्केटबॉल खेला, तो बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई बास्केटबॉल कोर्ट कैसा है अपने यूनिवर्सिटी का और क्या क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो हैं जो सीपीयू प्रोवाइड करता है। तो आज मैं वो भी दिखाऊंगा आपको कि कहाँ कहाँ बास्केटबॉल खेल सकते हो, बैडमिंटन कोर्ट कहाँ पे है, फुटबॉल ग्राउंड कहाँ पे है, तो वो भी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। अभी बस एक फ्रेंड आ रहा है तो उसी का वेट कर रहा हूँ, फिर हम साथ में चलेंगे। और भाई क्या हाल है? गुड गुड। तीन भाई सबका वेट कर रहे थे इतनी देर से, अब 5-10 मिनट बाद आए हैं और हम अभी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, बस चलते हैं फिर। जस्ट रीच सीपीयू, अभी हम अंदर जा रहे हैं। और आज का सीन क्या है वैसे भाई? भाई हमारे राइट साइड में आज हम पूरा कैंपस विजिट करेंगे और दिखाएंगे कहाँ पे क्या चीज है। हाँ बस ये क्या राइट में मिनी कैंपस टूर होगा, पूरा नहीं होगा, पूरा तो अलग ही बनेगा। अभी बस अंदर जा रहे हैं और थोड़ा दिखाऊंगा सीन्स जो दिवाली वीक का चल रहा है। और ये आगे हमारा स्टूडेंट यूनियन। ये है यहाँ पे दिवाली का सेलिब्रेशन जो हो रहा है अपने सीपीओ में। भाई सच बोल रहा हूँ बिल्कुल दिवाली वाली फील आ रही है प्रॉपर एकदम। और वैसे भी हम अंदर जाते हैं और फिर चेकआउट कराता हूँ मैं आपको क्या क्या अंदर हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा, तो चलो चलते हैं। तो अभी प्रॉपर सेलिब्रेशन जो होगा वो तो दिवाली के टाइम ही होगा, तो ये मिनी सेटअप कैन से जो अभी और तैयारियां होंगी यहाँ पे दिवाली पे। अभी बस दिवाली भी चल रहा है तो ये छोटी मोटी प्रिपरेशन है जो अभी मैंने आपको दिखाई। रेस्ट दिवाली पे एक ब्लॉग बनाऊंगा और जहाँ तक कि मुझे लगता है बहुत अच्छा ही होगा, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम दिवाली वाली फील आ रही है जैसे हम अपने घर पर रखते थे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड सब अच्छा ही होगा और सबको अपनी घर वाली फीलिंग आएगी यहाँ पे सीपीयू में रह के। सो वी जस्ट केम आउटसाइड और अभी हम सीपीयू रेसिडेंशियल एरिया के वहाँ जा रहे हैं। इन पास एक दोस्त है जो इन्हें यहाँ खाना खिलाएंगी। भाई भूख लग रही है तेरे को? यस आई एम फीलिंग हंग्री। तो उसने जो कई फ्रेंड ने दिया उसने बुलाया तेरे को खाना खाने के लिए? फ्रेंड ने मुझे बुलाया, मेरी फ्रेंड बहुत ही अच्छी है, वो हरियाणा से बिलोंग करती है। उसने मेरे लिए खाने के लिए बोला कि वो अपने बैच से अपने क्लास से खाना खाने के लिए इसको बुलाया था, लेकिन मैं फोकट में जा रहा हूँ। मैं फोकट में जा रहा हूँ, मैं हर जगह फोकट में जा रहा हूँ। फ्रेंड नहीं दिख रही है वो। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और मैं आपको रेसिडेंशियल दिखाऊंगा। मुझे रेसिडेंशियल माय पर्सनल ओपिनियन मुझे बहुत अच्छा लगता है बाहर से देखने में और लेकिन महंगा बहुत है। तो आज मैं रेसिडेंशियल भी दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि यहाँ पे रेसिडेंशियल कैसा है, आपको रेसिडेंशियल में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, तो भी आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग।
वॉज नियर द सीबीयू रेसिडेंशियल एरिया और बहुत सुंदर लगता है भाई मेरे को जो इसका बाहर का कलर है। एक्चुअली मेरे को सही में बहुत एकदम टेम्पटिंग सा लगता है रहने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। जिन्हें घर नहीं मिलता बाहर नॉन कैंपस में, तो वो प्रेफर करते हैं यहाँ पे रहना। इट्स क्वाइट गुड, चेक आउट योरसेल्फ। ये तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है अंदर से। अभी हम थोड़ा रिसेप्शन एरिया में आए हैं यहाँ पे, एंड दिस इज द एरिया। सो यहाँ पे अभी हम मेस में आए हैं, तो अभी आपको दिखाऊंगा मेस में क्या क्या खाना मिलता है। सीबीयू के जो रेसिडेंशियल एरिया में जो लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है खाने में, तो अभी मैं आपको वो दिखाऊँगा। क्या ले रहे हो? जूस ले रहे हो। और क्या क्या मिलता है यहाँ पे? जूस मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स मिलती है, कॉफी, टी। तो कोई कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से? यस, यहाँ पे मिल्क मिलता है, बट ओनली 1% वाला मिलता है। 1% वाला? यू वांट टू ट्राई दिस? हाँ, आप करो फिर मैं करता हूँ। ओके। और बताओ ना, और क्या मिलता है यहाँ पे? इधर आओ। यहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो ये कौन से रूम है? जो ये वाला है, ये सिटिंग रूम है। मतलब यहाँ कोई भी आ सकता है जो रेसिडेंशियल है ना। यहाँ का फ्रिज हो गया, यहाँ पर्सनल आइटम भी रख सकते हैं अपना? नो, ओनली मतलब जो यहाँ पे किचन में होता है। ओके, ये किचन है। अगर किसी स्टूडेंट को खुद से कुछ बनाना है, मेस का नहीं खाना, तो इधर हम आके बना सकते हैं। तो अभी वी हैव टेकन दिस क्रैनबेरी जूस और भाई वहाँ पे लगा पड़ा है, कुछ खा रहे हैं। भाई क्या खा रहे हो? ये क्या ले लिया तुमने? इट्स अ कैनेडियन फूड, दैट्स आई डोंट नो। खाना था? खाना तो मुंह से ही खाना है भाई। दिस इज सूप। भाई ये बड़े हम ऑल टाइम पे आए हैं, तो अभी खाना वाना यहाँ मिल नहीं रहा है, यहाँ स्नैक्स टाइम चल रहा है भाई। खाना लेकिन वो खाना का है, मेन कोर्स का है। मेन कोर्स ये आज इनका जो मेन कोर्स है वो ये। अभी हम पहुँचे हैं सीबीयू के रेसिडेंशियल एरिया में, तो अभी हम मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ के रूम्स कैसे होते हैं। ज़्यादा तेज़ नहीं बोलता, बहुत और भी लोग यहाँ रहते हैं, तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ के रूम्स कैसे होते हैं। सो दिस इज़ द वॉशरूम
वॉशरूम भी ठीक है एज सच देखा जाए तो, वॉशरूम इज क्वाइट डिसेंट, नॉट दैट मच गुड बट ठीक है, एवरेज है। और अभी मैं रूम में लेकर जाता हूँ क्योंकि मैं रूम में गया था लेकिन वो सफाई कर रही थी, उसका रूम बहुत फैला हुआ था, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर टू फिनिश हर वर्क एंड समथिंग, रीअरेंज हर रूम, तो फिर मैं आपको वहाँ का दिखाऊँगा। सो दिस इज़ द रूम, रूम के एंट्रेंस में एक बड़ा सा शीशा है और यहाँ पे इट्स अ काइंड ऑफ वॉश बेसिन, यू कैन वॉश योर हैंड्स और समथिंग, और ये कैबिनेट हो गया, यहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं। और आपको दो सिंगल बेड मिलते हैं यहाँ पे, दो सिंगल बेड्स, तो आई थिंक दैट्स सफिशियंट। और रूम इतना भी बड़ा नहीं है, लाइक ठीक है फॉर टू पीपल इट्स गुड, लाइक यहाँ पे तो अभी कोई एक ही जना रह रहा है, तो फॉर सिंगल पर्सन इट्स गुड। और यहाँ पे ये जो विंडो का व्यू है मुझे जो पर्सनली सबसे प्यारा लगा, तो आप देख सकते हो व्यू अच्छा है काफ़ी। तो अभी हम आए थे रूम से बाहर क्योंकि ज़्यादा देर तक हम वहाँ रुक नहीं सकते थे, तो हम जल्दी से बाहर आए। तो मुझे पर्सनली रूम सही लगा, इतना भी बड़ा नहीं है और इतना भी कुछ खास नहीं है, इट्स क्वाइट नॉर्मल, इट्स डिसेंट, वॉशरूम से डिसेंट। तो आई प्रेफर कि अगर ऑफ कैंपस घर मिलता तो इट्स क्वाइट बेटर, लेकिन अगर नहीं मिलता तो तुम सीबीयू के रेजिडेंशियल में रह सकते हो। मुझे प्राइजेस का एग्जैक्ट नहीं पता कि प्राइजेस कितने हैं यहाँ पे, कितना एक्चुअल अमाउंट है प्राइजेस का, तो वो आपको सीबीयू की वेबसाइट से ही पता करना पड़ेगा। इट्स जस्ट कि मुझे इतना पता है कि एक्सपेंसिव है, तभी मैं खुद नहीं रह रहा यहाँ पे और ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे रहने के लिए। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं और मैं आपको अब बास्केटबॉल कोर्ट और अपना बैडमिंटन कोर्ट दिखाता हूँ और फिर बस अपना चलेंगे। अभी दोपहर हो गई है और फिर शाम को निकलना भी है घर के लिए, तो चलते हैं फिर। दिस इज़ द बास्केट बॉल कोर्ट ऑफ सीबीयू, तो काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अगर देखा जाए जो बास्केटबॉल खेलते हैं उनके तो भाई परफेक्ट है, मैं नहीं खेलता इतना, आई डोंट नो मच अबाउट बास्केटबॉल, बढ़िया काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है। बैडमिंटन कोर्ट तो आपने देख ही लिया था, वो उस साइड है, तो वहाँ चलते हैं। This is our badminton court. So this is our badminton court and basketball court. So जो लोग पूछ रहे थे मेरे से कि basketball court और badminton court हमें दिखाना, हमें खेलना है, CBU की team है अपनी या नहीं, तो yes CBU की अपनी team होती है एक, तो yes you can join it. उसके अलग auditions होते हैं उसके लिए, and then you can join their respective teams. तो अभी के लिए बस अपना vlog end करते हैं अब, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है vlog हमेशा की तरह, तो बस अब चलते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, एंड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे पिछले लास्ट दो वीडियो से, प्लीज़ हेल्प करो मेरे को ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़े और मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो अब चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।